देख सकते हैं कि जो समूह की महिलाएं हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बाराबंकी जनपद के बेमौरा में आए हुए हैं और यहां पर महिलाओं को जाने नहीं दिया जा रहा है। हमने जान है ये तो कहां कर रही है, अब काफी बना ली है, ये जान नहीं दिया था मैम। नहीं, हमने अभी देखा, हमने प्रशासन से बात किया, ये लोग अंदर जा रहे हैं, लेकिन जो भी अव्यवस्था हो रही है वो प्रशासन की वजह से हो रही है। अच्छा, प्रशासन क्यों, आप प्रशासन की वजह से हो रही, तो ये जो जाएंगे ना दिए तो काहे बला। हम महिलाएं पुरुष हम सभी का सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी करती, संगठन करता है। हाँ देखिए, इधर जो है जब ग्राउंड रिपोर्ट करके दिखाया गया तो यहाँ पर आप देखिए कि महिलाओं को अब जाने दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि जो समूह की महिलाएं हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बाराबंकी जनपद के बेमौरा में आए हुए हैं और यहाँ पर महिलाओं को जाने नहीं दिया जा रहा है। हमने खबर जो है प्रकाशित करने की कोशिश की है, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? अरे ये रोक लगाए हैं। क्यों रोक लगाए हैं? अब पता नहीं सर, जाने नहीं दिए बच्चे समूह के ऊपर है तो हमका पंजन को तो जाने दिए। अच्छा, ये काफी महिलाएं यहाँ पे आए हैं। हाँ, जाने नहीं दे रहे हैं। जाने नहीं दिया जा रहा है? अरे जाने दे यार, आप भी जाना चाह रहे हो? काम है। अच्छा, रहा बांधे को बांधे बताओ। अच्छा अच्छा, आप गांव के हो क्या? हम यहाँ के हैं, बमहोरा लौटी के। अच्छा, तो आपको ही नहीं जाने दे रहे हैं? क्यों, यही चीज है? हाँ। तो यहाँ पे हाँ, क्या क्या कुछ बताओ तब तो, क्या बात हो गई? यही जा नहीं दिया था मैम। तो यहाँ पे जो नेता जी लोग आए हैं और जैसे हम ब्लॉक से हम मैम से बात किए, मैम बता रहे हैं कि अंदर आ जाइए, फिर भी रोड पे हम खड़े हुए हैं, फिर भी जाकर नहीं जाने दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बात है। और ब्लॉक से दौड़ से नहीं जाकर है, पंचायत मोहब्बतपुर से महिलाएं आई हैं, समूह की महिलाएं हैं। अच्छा, समूह की महिलाएं। नेता जी ये बताओ, आपकी सरकार में बताओ महिलाओं को नहीं जाने दिया जा रहा है? वहाँ पर जगह कम है, जगह कम होने की वजह से थोड़ा रोक दिया गया है। 2024 का चुनाव है, भीड़ को चाहिए ना जगह, उनको जानकारी की जा रही है, व्यवस्था की जा रही है, तुरंत करिए, नहीं महिलाएं नाराज हो जा रही है, तुरंत हो रही है। आप बताइए उपाध्यक्ष जी, आप बताइए हमको, ये जवाबदेही किसकी है जगह की? नहीं नहीं, हमने अभी देखा, हमने प्रशासन से बात किया, ये लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर इनको तुरंत तुरंत तुरंत, क्योंकि महिलाएं नाराज हैं। ये प्रशासन की जिम्मेदारी, प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए थी, इससे सरकार बदनाम होती है और संगठन बदनाम होता है। आप बताइए, विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे आप सब लोग निकाल रहे हैं जी, और महिलाएं अगर इनको नहीं सुन पाएंगे कैसे काम? हम महिलाएं पुरुष हम सभी का सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी करती, संगठन करता है, लेकिन जो भी अव्यवस्था हो रही है वो प्रशासन की वजह से हो रही है। अच्छा, प्रशासन क्यों, आप प्रशासन की वजह से हो रही, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, आ जाइए इधर थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, इधर दिखाइए थोड़ा सा कि यहाँ पर इनको लाया गया और कहा गया कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं वो आएंगे, उनको सुनना है, लेकिन ये लोग जो है जाने नहीं दिया जा रहा है, काफी नाराज है। अब उनका कार्यक्रम भी खत्म होने वाला है, काफी समय से जाएंगे तो कहाँ कर रही है, अब काफी बला ली है, जो जाएंगे ना दिए तो काहे बला। क्या कह के लाया गया था? मीटिंग बताई कि हाँ मीटिंग सुने चलो। अच्छा, क्यों अम्मा बताओ? हम भैया यही गांव का है, हम नहीं। अच्छा, आपको घर भी नहीं जाने दे रहे क्या? सब रास्ता बंद है। हाँ, हाँ, अपना घर ही नहीं। कहाँ, इस गांव में रहती हो? हम देरी में रहते हैं। अच्छा, यानी गांव कोई काम से गए होंगे आप? अरे सुबह मेंबर है ना। अच्छा, मेंबर हो ग्राम पंचायत के? नहीं दे रहा। हम अचलगंज में रही थी। हम अचलगंज में रही थी। अच्छा, अचल घर में गंज में रहती हो? हाँ भैया, इसमें कौन परेशानी है? तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो महिलाएं हैं समूह की हैं, उन महिलाओं को नहीं जाने दिया जा रहा है, वहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये लोग कोई हक अधिकार की बात करने लगे इसलिए न जाने दिया जा रहा हो। क्यों, कोई सवाल वाल तो नहीं आए हैं? अच्छा अच्छा, तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके की असुविधाएं देखने को मिल रही हैं। अब देखना ये बड़ी बात है कि इस पर अधिकारी कर्मचारी शासन प्रशासन नेता इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, क्या इन महिलाओं को यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को सुनने का मौका मिलता है या फिर नहीं। अब यहाँ पे ये देखिए, हाँ देखिए, इधर जो है जब ग्राउंड रिपोर्ट करके दिखाया गया तो यहाँ पर आप देखिए कि महिलाओं को अब जाने दिया जा रहा है, चूंकि जब हमारा कैमरा यहाँ पे चला तो यहाँ पर आप देखिए कि इसका असर यहाँ पर देखने को मिला है कि महिलाओं को अब जाने दिया जा रहा है, जो लोग हैं उनको जाने दिया जा रहा है। अच्छा, ये बताओ कि जब कैमरा चला तब जाके शासन प्रशासन जागा है? क्यों, यही चीज है ना? सही सही, क्यों अगर हम ना आते तो हमको लगता खड़े रहते सब लोग? अरे जाहिल न दे है, का करा दो तुरंत लेके बनवे बार उनके आए। अरे गांव से लेके आए यहाँ देखना ना पड़ा क्या बन लगा। अच्छा, मंदिर चलो जाके, कोई मंदिर चलो सिद्धेश्वर। अच्छा, यहाँ कुछ है?
तो ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हमने जब ये ग्राउंड रिपोर्ट प्राथमिकता से दिखाई, ग्राउंड के बाहर से हमने दिखाई, तब जाके शासन प्रशासन अधिकारी कर्मचारी जागे और इन महिलाओं लोगों को जाने का मौका दिया गया। श्रवण चौहान, बाराबंकी।